चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। अगर एक ग्लास पानी आपकी मेज पर रखा हो तो वो आपके पेट में आ जाता है, और अगर लाखों और करोड़ों ग्लास पानी आपके आसपास आ जाए तो वो आपको डुबो देता है। यानी कि पानी अगर थोड़ा है और अकेला है तो वो आपके पेट में चला जाएगा, आप उस पर काबिज हो जाएंगे, मगर अगर पानी बहुत ज्यादा हो तो वो आपको डुबो देगा। मतलब अगर निर्जीव चीज भी इकट्ठा होती है तो वो भी ताकतवर हो जाती है। समुद्र में पानी पानी है तो वो ताकतवर है, जहाज को भी डुबो देता है, और जो नदी नालों में छोटा मोटा पानी होता है उसमें नाव भी नहीं तैरती। ये प्राकृतिक सिद्धांत है कि गेहूं का एक दाना किसी काम का नहीं है, और गेहूं का अगर ढेर हो तो वो किसी का भूख को मिटा सकता है। ये छोटी छोटी बातें जो प्रगति बताती है हमको, वो ये कहती है कि मैंने तुमको इकट्ठा होना सिखाया है। इसलिए जब हम पैदा हुए, जब हम बने, तो हम कबीलों में, कुनबों में, गुफाओं में, पेड़ों के ऊपर, डाल के ऊपर इकट्ठे रहा करते थे, इसीलिए हम बचे, और जो इकट्ठे नहीं रह पाए वो मारे गए। ये सिद्धांत इतना गजब का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को हम पहले से पालन करने वाले लोग हैं। यानी कबीलों में रहने वाले, जो आपने सुना होगा गोत, बुद्ध का भी एक गोत है, गोत बोलते हैं कबीले के नाम को, यानी गौतम जो नाम है वो उनके कबीले का गोत है, गौतमी उनकी जो माता है उनका नाम है, गौतम उनका नाम है, तो गौतम उनकी लाइनेज है। ये गोत शब्द हमारा ही है, हमारे इकट्ठे रहने के लोगों की पहचान। तू किस कुनवे से, तू किस कबीले से आया, तेरा क्या गोत है। ये गोत भारत में पुराने समय से चले आ रहे हैं, पाली में गोत कहते हैं और बाद में संस्कृत भाषा में इसको गोत्र कर दिया। इसलिए जितने भी हमारे गोत्र हैं वो ये हमें बताते हैं कि हम कुनबों में रहने वाले, कबीलों में रहने वाले लोग हैं, और जितने भी नगर हैं, नगर का मतलब है जहां नाग लोग रहते थे वही नगर हैं। तो जितने भी नगर हैं या जितने भी नगरी हैं या जितने भी निगम हैं, ये सब वो लोग हैं जहां नाग लोग यानी हम लोग झुंड में रहते थे। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि नाग वंशी हैं हम, नाग एक लाइनेज से आ रहे हैं, और जो सांप बना हुआ है वो सांप नाग नहीं है। नाग दरअसल हमारा जो टोटम है, यानी हमारा जो गोत का चिन्ह है वो हाथी रहा है, यानी कि हमारी पहचान की जो चिन्ह है, जैसे आज हम अपनी पहचान का समर संघ का हमने वी बनाया है। दरअसल ये वी तो हमने इसलिए बना दिया क्योंकि अगर हाथी हम बनाते तो उसको लोग दूसरी तरह से ले जाते, मगर असली जो हमारा चिन्ह है वो हाथी है, और नाग को हाथी और हाथी को नाग कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार बताया, और किताब पाली के अंदर 16 वॉल्यूम में साफ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बताती हैं कि इकट्ठे रहने की आदत हमें है, इकट्ठे हम रहते हैं, हम ही वो लोग हैं जो इकट्ठे रहे, बाकी तो सब बिखरे हुए रहे, और जो बाहर से लोग आए थे वो तो बिखरे हुए लोग थे, इसलिए तो भागे वो। अगर वो इकट्ठे होते तो कहीं क्यों जाते, वो बिखरे हुए लोग थे। तो ये आदत हमारी, हमारे साथ ना रहे, इसलिए हमको लगातार बार 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 उन लोगों ने, जो ये जानते थे कि इकट्ठे होने के फायदे हैं और ये इकट्ठे होके ताकतवर हो जाते हैं, हमको छोटे 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 अलग अलग तरह के चीजों में फैसला के भुसला के हमको तोड़ने की कोशिश की। हमारा कोई आदमी जो काम करता था उसको कह दिया कि जिसको काम करता है उसी काम में रहना चाहिए, जो जैसे है जहां है उसको वहीं, जो जहां जिस जगह है वहीं, ताकि हम इकट्ठे ना रहें। ये आदत हमारी तब तक रही जब तक हमारा पूरा शासन नहीं चला गया और बाबा साहब नहीं आ गए। बाबा साहब आते ही इस बात को समझ गए, हम तो संघ में रहने वाले लोग हैं, हमारा तो समण संघ है, जो बार 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 जिक्र आता है संघ का, क्योंकि संघ जो नाम है वो भारत में चलता है, और भारतीय नाम है, पुराना नाम है, और पाली का नाम है, तो संघ के मालिक वो जो पुराने हैं और जो पाली को जानते हैं, और वो तो हम हैं। काले लोग, मोटे लोग, पक्के रंग के लोग, हम ही वो लोग हैं जो संघ के असली हकदार और मालिक हैं। संघ चला गया तो शक्ति चली गई, क्योंकि संघ में शक्ति होती है, संघ चला गया तो शक्ति चली गई।
पानी जब तक इकट्ठा रहेगा समुद्र में जहाज को डुबो देगा, अलग अलग बिखेर दो उसको, फिर वो समुद्र नहीं रहता, फिर तो ग्लास में आ गया, बोतल में आ गया, फ्रिज में आ गया, घड़े में आ गया, मटके में आ गया, नाली में आ गया, फिर ताकतवर नहीं है। मगर वो बहता हुआ फिर समुद्र में चला जाए तो फिर पावरफुल हो जाएगा, फिर ताकतवर हो जाएगा। बस यही काम करना है कि हमें जो अलग अलग हमको अलग अलग कर दिया है, हमको बहते बहते इकट्ठे लुढ़कते फुड़कते किसी भी तरह से खिचड़ते फिचड़ते इकट्ठा होना है। इकट्ठा अगर हम हो गए तो समुद्र बन जाएंगे, और समुद्र बन जाएंगे तो एक लहर ही बहुत होती है छोटे मोटे टापू को डुबाने के लिए। और समुद्र से सब डरते हैं क्योंकि उसकी गहराई बहुत होती है, उसमें इतनी गहराई होती है कि वो अच्छे अच्छों को डुबो के शांति से बैठा रहता है, चिल्लाता भी नहीं है। वही समुद्र हैं हम। ये बात जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतनी जल्दी हम अपने बच्चों को और अपने आप को बचा लेंगे, और जितना देर से समझेंगे उतनी देर हो जाएगी अपने बच्चों को बचाने के लिए। आज का कंसेप्ट महाराष्ट्र का और हरियाणा का कंसेप्ट है। महाराष्ट्र के लोगों को यह ताज्जुब हुआ कि हरियाणा के लोगों में इतना ज्यादा जागरूकता, इतना ज्यादा अंबेडकरिज्म क्यों है। महाराष्ट्र के लोगों को यह पता ही नहीं कि भगवान बुद्ध, यानी बुद्ध जिन्होंने पहला संघ बनाया और लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को आजाद किया, लोगों को मुक्त किया, लोगों को दुख मुक्त किया, वो हरियाणा में आए। और हरियाणा तो पूरा यहां से लेकर पूरा पूरा गंधार से लेकर कंधार से लेकर पूरा ऊपर तक पहाड़ों तक जितना भी पंजाब है, सारा पाकिस्तान वाला भी और ईरान तक, वो तो सारा बुद्ध की नगरी रहा है। वहां तो एक एक टीले पर बुद्ध मिलते हैं। पंजाब तो टीलों से भरा हुआ है, टीलों का मतलब है स्तूप, मिट्टी के स्तूप, भरा पड़ा है पंजाब तो। और हरियाणा के तो हर जिले में बुद्ध की चिन्ह मिलते हैं, और हरियाणा के तो लोगों के बारे में बुद्ध कहा भी था, ये लोग तो पुराने जन्मजात संगी हैं, ऐसा बुद्ध ने बताया कि ये तो पुराने लोग इकट्ठे रहने वाले पंचशील के रहने वाले लोग हैं। और महाराष्ट्र के लोग तो आप जानते ही हैं जिन्होंने पूरी पूरी क्रांति की हुई है, और वहां बुद्ध की कितनी गुफाएं मिलती हैं कितनी नहीं, तो दोनों अलग कहां हुए, दोनों एक ही हैं, दोनों भाई भाई हैं। और खाली महाराष्ट्र और खाली हरियाणा की बात क्यों करें, भारत के किसी भी हिस्से में उठा लें, हमारी सभ्यता चीख चीख के हमें कहती है हम ही समर संगी हैं, हम ही भाई हैं, और हम ही बहन भाई आपस में हैं, और कोई है भी नहीं। बस इतना सा अगर हम जान लेंगे तो हमको काम करना है। ये काम जानने का बाबा साहब बता के गए, इसलिए उस पर रिसर्च करके समय खराब नहीं करना है, तो उस काम को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और कैसे आगे बढ़ाना है और कब तक आगे बढ़ाना है, हमेशा के लिए बढ़ाना है और 24 घंटे बढ़ाना है। एक हिरण जो जंगल में होता है या झुंड में जो हिरण होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि अब शेर मेरे पीछे आया और मैं दौड़ के शेर से बच गया तो अब मैं हमेशा के लिए बच गया। वो जो हिरण है उसके 24 घंटे कान खड़े रहते हैं, जब वो खाना खाता है, घास चरता है, तब भी उसके कान खड़े रहते हैं, जरा सी आहट होती है तो खाना छोड़ देता है और देखता है इधर उधर कहां है कहां, खुशबू पहचानने की कोशिश करता है कि आसपास कोई चीता शेर की खुशबू और स्मेल तो नहीं आ रही है। और जरा सी आहट आती है, चाहे झूठे की आहट हो, तो भी वो भाग लेता है और 24 घंटे अलर्ट रहता है। अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो 24 घंटे सुरक्षा के लिए अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, इसलिए वो जिंदा रहता है। जिस दिन वो अपनी सावधानी से हट जाता है, खाने में मशगूल हो जाए या आहट सुनना बंद कर दे, उसी दिन वो चीता और शेर के चंगुल में फंस जाता है और मारा जाता है। हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए जो आहट आनी चाहिए थी, जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, उसमें हम चूक गए, उसको हमने छोड़ दिया। कुछ लोग शराब में लग गए, कुछ व्यभिचार में लग गए, कुछ पाप में लग गए, कुछ झूठ बोलने में लग गए, कुछ ये जो जितने भी हैं नशे हैं पते हैं, इन सब चीजों में जो पंचशील है वो हमने तोड़ दिया। पंचशील हमारी सुरक्षा की गारंटी थी। जैसे जैसे हम उसे छोड़ते गए वैसे वैसे असावधान होते गए और फिर शेर ने हमको दबोच लिया। शेर का मतलब है उन लोगों ने दबोच लिया जो कुछ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो कुछ काम नहीं करना चाहता, तो वो दूसरों पर राज करना चाहता है, दूसरे लोग काम करके दे उसको, तो हम उनके चंगुल में फंस गए और उनका काम कर रहे हैं और वो हमसे काम करा रहे हैं, हम सावधान नहीं हुए। बाबा साहब अंबेडकर 24 घंटे अलर्ट रहते थे, 24 घंटे वो हिरण की तरह अलर्ट नहीं रहते थे, वो शेर की तरह चौकने रहते थे। शेर भी 24 घंटे अलर्ट रहता है शिकार करने के लिए, वो भी जरा सी आहट होती है तो फौरन उसके कान खड़े हो जाते हैं कि कोई जानवर आसपास है तो शिकार कर ले, तो 24 घंटे अलर्ट रहता है, तो वो शेर की तरह अलर्ट रहा करते थे, इसलिए यहां तक हमको पहुंचाया। और हम कितने नालायक हैं,
आराम से रजाई तान कर सो गए, क्योंकि बाबा साहब ने कुछ दो चार पैसे की नौकरी दिला दी, कुछ को मिल गई, कुछ को सुरक्षा सी मिल गई, कुछ बोलने लगे, कुछ को लगा कि संविधान में अधिकार मिल जाएगा, कुछ को वोट का अधिकार मिल गया, कुछ एमएलए एमपी बन गए, कुछ को छोटा मोटा धोता मिल गया, बाकियों को मिला भी नहीं, वो उसी में खुश हो गए और आराम से घर जाके सो गए। अब हमारा हमें कोई चिंता नहीं है, सुरक्षा जो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और अपने काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और लगातार 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 काम करते रहते हैं, वही बचते हैं। तो हम जो मारे गए हैं इसलिए मारे गए हैं कि और जो लोग हैं वो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, वो सोते नहीं है, वो रात दिन रात दिन रात दिन अपनी सुरक्षा, अपनी संवर्धन, अपने बढ़ाने के लिए अपने आप को, वो जो काम कर रहे हैं उस काम को अगर आपने छोटा करना है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करने वाला जीतेगा, और अगर आपने उस काम को बड़ा रखा और कम काम किया तो आप हार जाओगे। ये लड़ाई है, इसलिए हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हर आदमी को जागना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, इसलिए हर आदमी को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई ये सोचे या पोर्टल पे 157 आदमी है वो इकट्ठे हो गए, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, दिन रात लगे पड़े, हमारा काम तो हो गया, अगर ऐसा होना होता तो अब तक तो 100 बार हो जाता। 78 से 22 साल वो हो गए, 21 साल ये, 43 साल से लगातार लगातार कुछ लोग जग रहे हैं जो साहब काशीराम ने जगाए थे, बात नहीं बनी, बल्कि बात बिगड़ गई, क्योंकि वो जगाने वाले लोग ही टुकड़ों में बट गए और नुकसान हो गया। तो सारे जग जाते तो बात बन जाती और लगातार जगे रहते, क्योंकि अगर हम पहले अशोक के समय से लगातार जगे रहते तो अशोक तो नागवंशी था, अशोक तो समण था, तो अशोक तो सारे के सारे उसने राज्य जो प्राप्त किया, कितना जगा हुआ था वो, कि उसने ईरान से लेकर बर्मा तक महाभारत बना दिया, पहली बार दुनिया में महाभारत बना, उससे पहले तो छोटा सा भारत था, अभी भी छोटा भारत है, महामाने बड़ा होता है, तो बड़ा भारत तो अशोक ने बनाया, वही महाभारत का रचयिता है। तो वो विजिल था, वो जागरूक था, वो जगा रहता था, इसलिए वो लगातार लगातार प्रयास करता था और अपने परिवार को बढ़ाता चला गया। उसके बाद में जो लोग आए उन्होंने भी उसको मेंटेन करके रखा, पर उसके बाद में जो निगम में लोग आए वो सो गए, और ये महाभारत, फिर भारत छोटा छोटा होता चला गया, इसमें से नेपाल निकल गया, इसमें से अफगानिस्तान निकल गया, इसमें से बांग्लादेश निकल गया, इसमें से पाकिस्तान निकल गया, इसमें से ईरान का हिस्सा निकल गया, इसमें से श्रीलंका निकल गया, इसमें से बर्मा का हिस्सा निकल गया, सारे टुकड़े इसमें होते चले गए और ये छोटा 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 बनता चला गया और भारत रह गया। वैसे ही हमारी जो आजादी थी अशोक के समय बहुत बड़ी थी, हम हर चीज के मालिक थे, क्योंकि हम हमारे जो बुजुर्ग थे वो 24 घंटे जगे रहते थे और वो होशियार कहते थे, होशियार खबरदार जैसे चौकीदार बोलता है, और हमारे बाद के जो लोग आए वो निकम में शराब में पड़ गए, जुए में पड़ गए, व्यवचार में पड़ गए, सो गए पड़ गए, उन्हें कोई चिंता नहीं, गुलामी मंजूर कर ली मगर जगना मंजूर नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि खाना भी खत्म हो गया, मरे का मांस खाने को मिलने लगा, घर से गांव से बाहर निकाल दिया, शहर से बाहर निकाल दिया, नाले के पास बैठा दिया, तालाब के पास बैठा दिया, बहन बेटियों की इज्जत लूटने लगे, वो भी नहीं बचा पाए, इतने निकम्मे हो गए। ये भला हो बाबा साहब का फिर दोबारा से आए, बाबा साहब ने हमको इस लायक बनाया, फिर दोबारा वो स्थिति आने वाली है, क्योंकि बाबा साहब की बात नहीं मानी है, बाबा साहब का माल खा लिया, बाबा साहब की बात नहीं मानी है, तो नौकरी चली गई, तो पढ़ाई चली गई, तो स्वास्थ्य चला गया, तो फिर घर मकान बिकने की नौबत आ गई, फिर वहीं पहुंचने वाले हैं 10 साल से 30 साल, 10 साल में सबकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि नौकरी पढ़ लिख के लोगे कहां, सरकारी डिपार्टमेंट सारे बिक चुके हैं, प्राइवेट में तो जात पूछ कर नौकरी देता है और 1 लाख का काम 10 हजार में कराएगा और 8 की जगह 12 घंटे काम लेगा, नियम सारे आ गए हैं और सुनवाई कहीं होगी नहीं, ना कोर्ट में, ना वकील में, ना कहीं, और संविधान की तो आपको पता ही है कितने दिन रहे कितने दिन, और रहे भी तो फिर सुनवाई कैसे होगी आप सब जानते हो। तो अभी एक मौका है कि इकट्ठे हो जाओ, अगर इकट्ठे हो जाते हो तो बचोगे, और अगर इकट्ठे नहीं होते हो तो मारे जाओगे, प्रकृति का सिद्धांत है। तो जब समुद्र के फोटो देखा करो तो देख लिया करो कि समुद्र इकट्ठा है तो ताकतवर है, और नाले का घर के आगे जो नाली है उसका फोटो देख लिया करो कि ये बहता पानी है तो नाली में सड़ता हुआ पानी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये बेकार जाता है, इसमें तो लोग और गंदगी डाल देते हैं कि नाली है। तो इसलिए समुद्र बनना है तो इस पानी को इकट्ठा करना पड़ेगा, एक एक बूंद जो हम है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, अगर जान बचानी है बच्चों की तो, और अगर नहीं बचानी है तो जान तो वैसे जा ही रही है, फिर बैठ के इंतजार करो आराम से, 10 से लेके 30 साल बचाने वाला कोई आने वाला नहीं है, ना बाबा साहब आएंगे, ना ज्योतिबा फुले आएंगे, ना पेरियार आएंगे, ना बुद्ध आएंगे, सब बता के रास्ता गए हैं, वो नहीं चलेंगे रास्ते पे, हम चलेंगे रास्ते पे, अगर हमें बचना है और हर एक को बचना है
इसीलिए जिद्द है जुड़ने की, जिद्द है जोड़ने की, जिद्द है जान बचाने की, जिद्द है सभी लोगों को इकट्ठा करने की, क्योंकि संविधान तभी जान बचाएगा जब सब इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे, और जहां जहां लोग जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, और जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। उदाहरण किसानों का है, आप नाच रहे किसान आज, आज बॉर्डर पे नाच रहे, उनकी सारी मांगे पूरी हो गई, उनके जश्न की फोटो आ रही है, क्योंकि वो इकट्ठे हो गए। वो संगठन थे तब तक कामयाब नहीं हुए, जब वो सारे इकट्ठे होकर संघ बनाए तब कामयाब हुए। ऐसे ही 2 अप्रैल को हम इकट्ठे हुए तो कामयाब हो गए। ऐसे ही अशोक के समय हम इकट्ठे थे तब कामयाब हुए। जब अशोक के समय जुड़े तो महाभारत बना दिया, जब 2 अप्रैल 2018 को जुड़े तो एक अधिकार बचा लिया, किसान जुड़े तो संघ बनाया तो वो अपने अधिकार बचा के ले गए। अगर हम परमानेंट जुड़ जाए तो बुराई क्या है इसमें, कौन सा पैसा लग रहा है? समर संघ पैसे तो लेता नहीं, साफ साफ कहता है किसी को पैसे देना भी मत, पैसे की जरूरत भी नहीं है इकट्ठा होने के लिए, और ना ही यहाँ नेतागिरी होती है, ना ही यहाँ कोई फोटो छपते हैं, ना ही यहाँ कोई VIP कल्चर है, ना यहाँ किसी को ये कहते हैं कि आपको ये चीजें ये है, यहाँ कोई नियम है कानून है या कोई बंधन है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इसका कोई अकाउंट भी नहीं है, बिल्कुल तो खुला है जो समर संघ के नियम है। फिर जुड़ने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, सिवाय उन नेताओं को दिक्कत होगी जिनकी रोजी रोटी से चलती है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है तो उनका घर का खर्च चलता है, उनका घर चले हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारे घर का खर्च बंद हो गया तो उनका खर्च कैसे चलेगा? और वो नौ बता रही है, इसलिए नेताओं को समझाओगे भाई तुम्हारा जो धंधा चंदा ये बंद होने वाला है, जब हमारे पास ही पैसे नहीं होंगे तो तुम्हें कहां से देंगे, इसलिए कुछ दिन के लिए उनको पैसे देने बंद कर दो। उनसे कहना कि पैसे देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, क्योंकि बाबा साहब ने यह कहा था संगठित रहो, तब ये कहा था कि 20वां हिस्सा देना, ये नहीं कहा था बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी करनी है या 20वां हिस्सा देना है तो लाखों संगठनों को देना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा था सोसाइटी को पे बैक करना है, संगठन को पे बैक नहीं करना भाई, इसको आप समझे। तो इसलिए कोई पैसा मांगने आता है किसी भी नाम से तो आप उसको साफ मना कर दो कि हमें वी द पीपल समर संघ ने मना किया हुआ है। वी द पीपल समर संघ कहता है कि पैसा देंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब, तो ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब इनका पैसा बंद होगा, और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो समुद्र बन जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी, और जब हमारी जान बच जाएगी तो फिर हम पैसा दे देंगे जो बाबा साहब ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा साहब का आदेश है हम मानेंगे, मगर देंगे जब जब इकट्ठे हो गया होगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ना है, यही समर संघ का काम है। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि
Sangam Sarnam Garchami.